आईसीसी ने वनडे विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की थी, जो भारत की मेजबानी में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि टीमों के बीच खेला जाएगा। वाह, हालांकि हर कोई जानना चाहता था कि भारत पाकिस्तान मैच कब खेला जाएगा, 15 अक्टूबर 2023 को। वाह, दुनिया भर के लोग चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई बेहद उत्साहित है। ये मैच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर सभी में बहुत उत्साह है और अहमदाबाद में होटलों के कमरों की दरें लगभग 10 गुना तक बढ़ गई है और कुछ होटल प्रति रात लगभग 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। क्या आपको बता दूं, कमरे की ऊंची दरें भारत पाकिस्तान के रोमांचक मैच की वजह से है। मैं आपको बताता हूं, यदि आप booking.com के माध्यम से ITC होटल के वेलकम होटल में 3 जुलाई 2023 के लिए डीलक्स कमरा बुक करते हैं, तो कमरे का किराया लगभग 5,700 प्रति रात है। ये दरें 2-3 जुलाई 2023 के लिए है। लेकिन अगर आप यही कमरा 15 अक्टूबर के लिए बुक करना चाहते हैं तो शुल्क 73,000 रुपये है। वो 73,000, ये सचमुच महंगा है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का मैच डे है, इतना महंगा। एक और शानदार होटल रेनेसांस अहमदाबाद वर्तमान में एक दिन के लिए लगभग 8,000 रुपये का शुल्क लेता है। हालांकि 15 अक्टूबर के लिए दर सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच के कारण 51,000 तक बढ़ गया है। VIP प्रायोजक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समूह ने पहले से ही अपने होटल के कमरे बुक कर लिए हैं। आश्चर्यजनक। एक अन्य होटल द कामा होटल एक बजट अनुकूल होटल है और आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 3,000 का शुल्क लेता है। हालांकि उन्होंने 15 अक्टूबर के लिए अपना किराया लगभग 27,000 तक बढ़ा दिया है। होटल के कमरों का किराया लगभग 10 गुना बढ़ गया है। वो कई अंतर्राष्ट्रीय समूह ने पहले से ही अपने होटल के कमरे बुक कर लिए हैं, जबकि 70-80% होटल बुक हो चुके हैं। अहमदाबाद के कई 5-स्टार और 3-स्टार होटलों के कमरे बिक गए हैं, सब फुल है। हैरानी की बात यह है कि 15 अक्टूबर के लिए है, 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2023 तक कमरों का अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन गुजरात के प्रवक्ता अभिजीत देशमुख ने कहा, ज्यादातर अनिवासी भारतीयों की ओर से भारी मांग है, जो मैच देखने के लिए उत्साहित है, और उन्होंने होटल के कमरे बुक कर लिए हैं। मध्यम वर्गीय प्रशंसक आमतौर पर मैच टिकटों की उपलब्धता का आधार पर अंतिम क्षण में निर्णय लेते हैं। अगर मैच के टिकट नहीं मिले तो होटल बुकिंग बेकार हो जाएगी। मैच टिकट बुकिंग खुलने के बाद वे कमरे बुक करेंगे और उस समय दरों में बढ़ोतरी होगी। यदि मांग अधिक है तो दरें बढ़ा दी जाती है ताकि होटल व्यवसायी अच्छा मुनाफा कमा सके। उन्हें आश्वासन है कि ऊंची दरों के बावजूद कमरे भरे रहेंगे। दरें अभी सस्ती है, लेकिन 14, 15 और 16 अक्टूबर को बढ़ने की उम्मीद है और मध्यम वर्ग के प्रशंसकों ने अभी तक बुकिंग नहीं करवाई है। ICC वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान इससे पहले 7 बार आमने सामने हो चुके हैं।
भारत ने पिछले सभी 7 मैच जीते हैं। पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ विश्व कप मैच नहीं जीत सका है। विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये 8वीं भिड़ंत होगी। मुझे यकीन है कि आप सभी उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भारत ही जीतेगा। देखते हैं, वर्ल्ड कप में अभी काफ़ी दिन बाकी है, लेकिन क्रिकेट के दीवाने प्रशंसक पहले से ही उत्साहित हैं और उन्होंने होटल भी बुक कर लिए हैं।